हेलो टीवी रिमोट के बैटरी कंपार्टमेंट में
सर आपने आज का पेपर पढ़ा क्या? होशियारी मत दिखाना, पेपर के नीचे 145 पॉइंट कैलिबर है, एक बुलेट ही काफी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लास्ट करने के लिए। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो, कम ऑन मूव। अरे दबा के मार इसका, ऊपर से मार, नीचे से मार, दे दबा दब इसका, इसके साले का हर चिकारे कर दे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बुला कर नहीं लाए, उठा कर लाए हैं। वो तेरे को जो सबूत का पेन ड्राइव मिला है ना, मुझे दे दे, और आराम से तू अपने घर को चला जा और मैं अपने घर को चला जाऊँ, समझा क्या? कौन सा पेन ड्राइव? ए तेरी तो ओ शिवा, ऐसा मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं करना चाहता, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता, चल ले जला जाए इसको। जल्दी से बता। रुक रुक, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या तेरे पास नहीं है? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता। ये क्या है? ये क्या है? बच्चों की चॉकलेट जैसा दिखता है पेन ड्राइव। इसका क्या होता है? सीडी डीवीडी में इसकी कॉपी करके तो नहीं रखा? ओ, मेरी मौत का सामान इसमें बंद करके रखा है और इसको एक गले में सांप की तरह पहनकर इधर इधर घूम रहा है। हा? तुम लोगों ने इसको ढूंढ कर निकाल लिया ना, मैं हूँ पागल, मुझे क्या क्या करने को मजबूर कर दिया ना। ए डॉक्टर साहब, इसको अपने कंप्यूटर में डालो और पता लगाओ कि इसमें क्या फोटो है मेरे खिलाफ। और क्या होगा उससे? तुम्हारा क्या हुआ जुल्म और तुम्हारी काली करतूतें सारी दुनिया को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करके छोड़ गई है बसु। ऐसी रिकॉर्डिंग करने वालों का रिकॉर्ड मैं दुनिया से मिटा देता हूँ, तुझे मार दूंगा। ए! इस कमीने के औलाद के हाथ पैर काट कर किसी गंदे नाले या रेलवे ट्रैक पे फेंक दो, साले को जा रहे हैं, जा रहे, समझे क्या तुम लोग? सर क्या है? ये पेन ड्राइव एक ही है या इसकी कोई कॉपी भी रखी है इसने? सही कहा तुमने, ये बेवकूफ नहीं है, बहुत सयाना लगता है, करके भी रखा होगा। क्यों रे, इसकी कॉपी निकाल के कहीं छुपा कर रखा है क्या, बताना? कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मास्टर सीडी मेरे पास है। बकना बे, मास्टर सीडी मेरे पास है। कहाँ पर रखी है? मेरे दोस्त के पास। कौन है वो? ये क्या है, खंडहर जैसा लग रहा है। बाहर से खंडहर लग रहा है, अंदर पूरा विजयनगर का साम्राज्य है यहाँ। चलो, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कौन रहता है? अरे क्या, बाहर से देखा तो सिर्फ लुंगी, अंदर आकर देखा तो कीमती रेशम का अंडरवियर है। ले, ये मशीन से कैसे निकल रहा है, जैसे मस्के में से डोसा निकल रहा है ना इंस्पेक्टर। ये कौन है बे जटाधारी जटेजा, पाताल भैरवे के ऊपर जटाधारी नाचता है, उसके जैसा नाच रहा है। हा? कौन है बे उधर, कौन हो तुम लोग? ए, कौन इन लोगों को अंदर आने दिया? अल्लाह बोमबिल के औलाद, ऐसा कौन है रे जो मुझे यहाँ रोक सके, सारे कर्नाटक का मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। चुपचाप इस दरवाजे से बाहर चला जा, यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है, मैं यहाँ का CM हूँ। फिर आया रे तू, मैंने उसी दिन समझाया था मेरे बिजनेस पे सिर मत डालना, वरना तुम लोगों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा। बेकार का तो जोर से चिल्ला मत, लोगों का सिर काटना हमारा खानदानी पेशा है, जैसा गब्बर ने सेंचुरी बनाया था। देखो मंत्री, मेरे और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ दुश्मनी करने की कोशिश करोगे तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। एक केकड़े की औलाद, तू मुझे मार के दुबई फरार होने से पहले तुझे भूनकर पीस के चट्टी बना के खाने के साथ खा जाऊंगा, समझा क्या? रुको रुको रुको, इनको मास्टर सीडी चाहिए थी, आप इनको मास्टर सीडी अगर ऐसे कोई मांगेगा तो उठा के दे दूंगा। सोना उगलने वाली खान है, दिन में 6 लाख सीडी उससे निकालता हूँ। ये तो बहुत बदबू आ रही है, तू 1 लाख कॉपी बना के लोगों को पिला देगा तो हेल्थ मिनिस्टर की सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो सीडी मुझे दे दे बच्चे। एक बार का कहना तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरे जैसे बेवकूफ को किसने मंत्री बना दिया? ए, तेरा समय नजदीक आ गया बच्चे, देख बेटा मेरे लाल, अब तू गोली खाना चाहता है क्या, बता जीना नहीं है क्या?